बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ग्रेड वन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक, यूनिट है एट द फॉर्म। आज हम पढ़ेंगे एट द फॉर्म यूनिट को। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि इस यूनिट में है क्या, लेसन में क्या है। ये देखिए, एक फॉर्म का जिक्र है जिसमें बच्चे अपना छुट्टी का दिन गुजार रहे हैं। ये देखें, बच्चे हैं यहाँ समी एंड निधा, उनको छुट्टी है, संडे है, और वो फार्म में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ डिफरेंट चीज़ें हैं, कॉज, हॉर्सेस, किटन्स, हैंस और लैम्स। तो चलिए रीडिंग करते हैं। सबसे हम पहले हम पढ़ेंगे वर्ड्स टू नो। वर्ड्स मीनिंग है बार्न, बार मीन बाड़ा, अ लार्ज बिल्डिंग ऑन अ फॉर्म फॉर लुकिंग क्रॉप्स और एनिमल्स। फॉर्म के अंदर एक बड़ी बिल्डिंग जिसमें एनिमल्स को रखा जाता है और फसल काट कर रखी जाती है, उसे बाड़ा कहते हैं। फार्मर किसान, पर्सन हु ओन और लुक्स आफ्टर अ फार्म, एक ऐसा आदमी जिसकी अपनी जो अपनी फसल उगाता हो या एक फार्म की लुक आफ्टर करता हो, उसकी देखभाल करता हो। फील्ड खेत, अ पीस ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एनिमल्स और ग्रोइंग क्रॉप्स, एक ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पर जानवर रखे जाएं या उसमें खेत या फसल उगाई जाए, उसको फील्ड कहते हैं, उर्दू में उसे खेत कहते हैं। राइडिंग सवारी, सिटिंग ऑन अ हॉर्स, किसी भी जगह की किसी चीज़ की सवारी करना, हॉर्स की सवारी करना या ऊँट की सवारी करना, इसे राइडिंग कहते हैं। एंड कंट्रोलिंग इट एज इट मूव्स, और जैसे ही वो हरकत करे उसे कंट्रोल करना, इसका मतलब है राइडिंग। और इसके बाद है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर वही व्हीकल्स जो फार्मर चलाता है अपनी फसल को उगाने के लिए, तो उसे ट्रैक्टर कहते हैं। अ बिग स्ट्रॉन्ग व्हीकल डैट पीपल यूज़ ऑन फार्म्स, जो कि फार्म्स में यूज़ किया जाता है। वॉर्म्स कीड़े, ऐसे बारीक कीड़े जिन जो रेंगते हैं ज़मीन पर, पतले और बारीक। स्मॉल एनिमल्स विद लॉन्ग थिन बॉडीज एंड नो लेग्स। अब बच्चे ट्रांसलेशन करते हैं। इट इज़ संडे, इतवार का दिन है। द चिल्ड्रन आर विजिटिंग एट द फार्म, बच्चे फार्म की सैर कर रहे हैं। समी एंड निधा आर राइडिंग द हॉर्सेस, समी और निधा घोड़ों पर सवारी कर रहे हैं। दे आर गोइंग स्लोली, वो आहिस्ता से जा रहे हैं या आहिस्तगी से चल रहे हैं। मरियम इज़ प्लेइंग विद द किटन्स, मरियम किटन्स के साथ, बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रही है। ये भी हमने पिक्चर में देखा है, जो सारा इनके बच्चों की जो भी मसरूफियत है वही यहाँ ऊपर मैं बता रही हूँ आपको। शी लव्स टेकिंग केयर ऑफ देम, मरियम जो कि बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रही है, वो पसंद करती है उनकी देखभाल करना या उनका ख्याल रखना, वो पसंद करती है। The cows are in the barn, गाय बार्न में है, यानी बाड़े में है गाय। गाय एक साइड पर फॉर्म में बाड़ा बना हुआ है गाय के लिए, और गाय उसके अंदर है, एक अलग सेपरेट बिल्डिंग बनी हुई है। They are eating grass, वो घास खा रही हैं। The chickens are looking for worms, chickens चूजे तलाश कर रहे हैं कीड़ों को। द चिकन्स आर लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर का मतलब है तलाश करना, चूजे कीड़े तलाश कर रहे हैं। द डॉग इज़ बार्किंग एट द कैट, कुत्ता बिल्ली पर भौंक रहा है। द लैम्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, मेमने या भेड़ के बच्चे, भेड़ के बच्चों को मेमने भी कहा जाता है,
बिल्ड के बच्चे खेत में खेल रहे हैं। द ट्रैक्टर इज़ गोइंग फास्ट, ट्रैक्टर तेज़ चल रहा है। द फॉर्म्स हैज़ एनिमल्स एंड प्लांट्स एवरीवेयर, फॉर्म पर हर जगह पर या हर तरफ प्लांट्स पौधे और जानवर हैं। बच्चे सैर करने गए हैं प्लांट की फॉर्म की सॉरी, तो वहाँ उन्होंने देखा है हर तरफ पौधे हैं, जानवर हैं, गाय हैं और मेमने भी हैं। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, डिफरेंट एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और बच्चों ने उधर बहुत अच्छा दिन गुजारा। यह मैंने बच्चों की आसानी के लिए इसको लाइन वाइज ट्रांसलेट किया है ताकि इसका स्क्रीनशॉट लेके बच्चों को इसी तरह लिखकर उनसे प्रैक्टिस करवाई जा सके कि किस लाइन की क्या ट्रांसलेशन है, किस लाइन के नीचे हमने उसको उर्दू में किस तरह ट्रांसलेट करना है। ये देखें, ये पूरा है चैप्टर, इसको तरतीब से लाइन वाइज लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज का हाफ हाफ पेज पहले मैंने आपको दिखाया है और बाकी हाफ ये है। एक्सरसाइज है कंप्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं। Who is playing with the kittens? What is the dog doing? Why are the children looking? Why are the chickens looking for worms? Where are the lambs? What are the cows eating? इसके आंसर हैं, ये देखिए इसके क्वेश्चन और आंसर मैंने लिखे हुए हैं। Where are the children? Children are at the farm. Who is playing with the kittens? Maryam is playing with the kittens. What is the dog doing? The dog is barking. Why are the chickens looking for worms? They are hungry. इसका आंसर लंबा भी हो सकता है, the chickens looking for worms because they are hungry. लेकिन छोटी क्लास है चूँकि इसलिए मैंने इसका शॉर्ट ही आंसर लिखा है। Where are the lambs? Lambs कहाँ हैं? The lambs are playing in the fields. What are the cows eating? Cows क्या खा रही हैं? Cows are eating grass. Next है fill in the blanks. यहाँ कोई वर्ड नहीं दिए गए, हमने चैप्टर के अंदर से ही लिखे हैं। समी एंड निदा आर राइडिंग द हॉर्सेज, मरियम इज़ प्लेइंग विद द किटन्स, द डॉग इज़ बार्किंग एट द कैट, द ट्रैक्टर इज़ गोइंग फास्ट, द फार्मर इज़ ड्राइविंग द ट्रैक्टर। यहाँ एक चीज़ है कि ये सारा जो चैप्टर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, उसके साथ इज़ और आई एन जी या आर और आई एन जी का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एक्शन वर्ड्स आर वर्ड्स डैट डिस्क्राइब एन एक्शन। एक्शन वर्ड किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जो कि कोई एक्शन या काम को होना जाहिर करें उन्हें एक्शन वर्ड कहते हैं। एक्शन वर्ड और वर्ब एक हैं, एक्शन वर्ड्स को ही हम वर्ब भी कहते हैं। दे शो व्हाट समवन और समथिंग इज़ डूइंग, वो ये दिखाते हैं कि कोई क्या कर रहा है और क्या हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं पेज नंबर 30 पर कौन से एक्शन वर्ड्स हैं। ये एक्शन वर्ड्स हैं हिट, पुट, फिट, डिग, कट, होप। इन सब में किसी का काम का करना या होना पाया जा रहा है। हिट करना, मारना, पुट रखना, फिट किसी चीज़ को फिट करना, किसी को कसना, फिट करना वगैरह, डिप जो इसको डिप करना यानी डुबोना, कट काटना, होप उम्मीद रखना, या
इस तरह के सारे वर्ड जो हैं, ये सारे जिनके साथ हमने क्वेश्चन ये दिया गया हुआ है कि इनके एक्शन वर्ड्स के साथ हमने आई एन जी का यूज़ करना है, एड आई एन जी। तो इन सब के साथ मैंने इनको लिखकर आई एन जी का यूज़ कर दिया है। बट ये सारे जो हैं ये एक्शन वर्ड्स हैं, यानी वर्ब हैं। इसके बाद है एक्सरसाइज टू, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग दीज वर्ड्स। ये जो नीचे वाले वर्ड दिए गए हैं, ये भी एक्शन वर्ड हैं, इनको यूज़ करते हुए हम खुद से सेंटेंस बनाएंगे। ड्राइविंग, वॉकिंग, स्टॉपिंग, फ्लाइंग, ये इनके सेंटेंसेस हैं। यहाँ था ड्राइविंग वर्ड जिसका सेंटेंस बनाना था, ये द फार्मर इज़ ड्राइविंग अ ट्रैक्टर। यहाँ मैंने ड्राइविंग के दो सेंटेंस बनाए हैं, ये चूंकि लंबा है इसलिए मैंने इसका एक और बना दिया है, बच्चे ये भी कर सकते हैं। ही इज़ ड्राइविंग अ कार। नेक्स्ट है द बस इज़ स्टॉपिंग, ये वर्ड है स्टॉपिंग, इसको हमने सेंटेंस में यूज़ किया है। अली इज़ वॉकिंग, ये भी छोटा सा ही एक सेंटेंस है। द बर्ड इज़ फ्लाइंग, ये फोर सेंटेंसेस हो गए जो कि बुक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट दीज वर्ड इन टू द करेक्ट बॉक्सेस इन योर नोटबुक्स, कि आपने इन वर्ड्स को करेक्ट बॉक्सेस में, यानी दो बॉक्स बनाए या दो कॉलम बनाए जिस तरह के ये बने हुए हैं, तो इन वर्ड्स को आपने अपने नोटबुक में अच्छी तरीके से अलग लिखना है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, चीज़ों के नाम और कुछ एक्शंस यानी वर्ब। दूसरे अल्फाज में अगर कहूँ तो कुछ नाउन हैं और कुछ वर्ब हैं जिनको थिंग्स और एक्शन का नाम दिया गया है, इनको हमने सेपरेट करना है। थिंग्स हैं यहाँ शू, ये यहाँ थिंग्स में आ गया। टोमेटो थिंग्स में आ गया। डेस्क ये भी चीज़ है, और बॉल ये भी चीज़ है, पेंसिल ये हमने सेपरेट कर लिए हैं थिंग्स को और एक्शंस को। इनमें से जो चीज़ों के नाम थे उनको इधर लिख लिए, और जो एक्शन वर्ड्स थे उनको इधर लिख लिए। नीचे क्वेश्चन है कैन यू ऐड टू वर्ड्स ऑफ योर ओन टू ईच बॉक्स, क्या आप एक एक बॉक्स में दो दो वर्ड खुद से इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने खुद से पेन और टेबल को ऐड किया है, और यहाँ स्लीप और रन को ऐड किया है। फिर डेफिनेशन है नाउन की, वर्ड्स फॉर थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स, चीज़ों के तमाम नाम जो होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं या नेमिंग वर्ड कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन या एवरी नेम इज कॉल्ड नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क इन पेयर्स और स्मॉल ग्रुप्स, छोटे ग्रुप बना के बैठ जाएं या जोड़ों की शक्ल में बैठें, और इन पिक्चर्स के ऊपर डिस्कस कीजिए कि ये किस लिए हैं। हॉर्स, मोटर बाइक, रेसिंग कार, टर्टाइज, प्लेन और बेबी। नीचे टू बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ क्लियर हो जाता है कि इनको क्या करना है। यहाँ है कि फास्ट तेज़ चलने वाली चीज़ें और स्लो चलने वाली चीज़ें, तो हमने इनको सेपरेट करना है, फास्ट कौन से हैं और स्लो कौन से हैं। फास्ट में हमने लिखा है मोटर बाइक, एक को पहले ही लिखा हुआ है हॉर्स को, यहाँ हमने नीचे लिखा है मोटर बाइक, रेसिंग कार, प्लेन, ये फास्ट जो है मूविंग करने वाले हैं, और इसके बाद है टर्टाइज और बेबी, ये दोनों स्लो मूवमेंट रखते हैं, इनको सेपरेट करना है। ये देखिए ऊपर से पिक्चर्स देखकर इनके नेम लिखे हुए हैं, उन नेम्स को अलग अलग बॉक्सेस में लिखना है। नेक्स्ट है प्रोफेशंस नेम है, हर डिफरेंट तरह के यहाँ प्रोफेशंस दिए गए हैं उनके यूनिफॉर्म के साथ, और यहाँ बॉक्सेस में प्रोफेशंस नेम लिखे हुए हैं। हमने वहाँ से इनके यूनिफॉर्म को देखते हुए, इनकी स्टेटमेंट को पढ़ते हुए, उसकी हेल्प से हमने यहाँ से एक नाम सेलेक्ट करना है और इसके अंदर उसको राइट करना है। सबसे फर्स्ट पे है आई मेक टेस्टी फूड टू ईट, मैं मज़ेदार खाना बनाता हूँ खाने के लिए। तो ये कौन है, शेफ़ है,
शेफ को हमने ऊपर से स्पेलिंग देखकर उसे यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है वन पीपल गेट सिक, जब लोग बीमार होते हैं आई हेल्प देम गेट वेल, मैं ठीक होने में उनकी मदद करती हूँ। तो ये हैं डॉक्टर। अगला हम देखते हैं, ये टू है, आई हेल्प पीपल एंड पुट आउट फायर्स, मैं लोगों की मदद करती हूँ और उन्हें आग से बाहर निकालती हूँ। ये है फायर फाइटर। नेक्स्ट है आई कीप पीपल सेफ एंड मेक श्योर दे फॉलो रूल्स, मैं लोगों को सेफ रखता हूँ यानी हिफाजत में लोगों की हिफाजत करता हूँ और यकीनी बनाता हूँ कि वो कानून को फॉलो करें, कानून पर अमल दरामद करें। आई पेंट एंड ड्रॉ पिक्चर्स, मैं पिक्चर्स को ड्रॉ करती हूँ, तस्वीरें बनाती हूँ और उनमें कलर करती हूँ। ये कौन है? आर्टिस्ट। लास्ट में है आई फ्लाई एयरप्लेन्स, ये है पायलट जो कि एरोप्लेन को फ्लाई करती हैं। नेक्स्ट यहाँ है मेल एंड फीमेल दिए गए हैं, ये फैमिली की एक पिक्चर है, इस फैमिली में जितने भी पर्सन्स बैठे हुए हैं उनको हमने सेपरेटली लिखना है। यहाँ दो कॉलम बने हुए हैं मेल और फीमेल के लिए। सबसे पहले जो मेल में हम देखेंगे वो हैं ग्रैंडफादर, नेक्स्ट फादर हैं, ब्रदर, मैन, अंकल और बॉय। यहाँ सब मेल के नाम हैं और अकॉर्डिंगली यहाँ हमने फीमेल के नाम लिखने हैं। जैसे हमने यहाँ ग्रैंडफादर लिखा है, देन यहाँ हम लिखेंगे ग्रैंड मदर, ब्रदर का सिस्टर, फादर से मदर, और मैन वुमेन, अंकल आंट, बॉय गर्ल। तो इस तरह बच्चों ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले चैप्टर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।